दोस्तों आज की इस वीडियो में सेंटेंस पैटर्न बताने वाले हूँ। सेंटेंस पैटर्न नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब भी हम लोग इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं या फिर किसी भी सेंटेंस को एक करेक्ट वे में बनाने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली ग्रामर में ये चीज़ सीखना जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई भी तरह का एसे लिखने में या स्टोरी लिखने में या नोटिस लिखने में या रिपोर्ट राइटिंग लिखने में ये सब जब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानना होता है। इंग्लिश में अगर करेक्ट वे ऑफ सेंटेंस को नहीं जानेंगे, करेक्ट वे ऑफ सेंटेंस के पैटर्न को नहीं जानेंगे, तो फिर हम लोग कोई भी सेंटेंस को इजीली नहीं बना पाएंगे और वो सामने वाले के लिए अंडरस्टूड भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर उधर रहेगा। तो फिर कौन सा पार्ट मिडल में होना चाहिए, कौन सा पार्ट एंड में होना चाहिए, कौन सा पार्ट इनिशियल में होना चाहिए, ये सारे बातें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो सेंटेंस पैटर्न को समझने के लिए वर्ड ऑर्डर्स को कुछ जानते हैं हम लोग, और ये श्योरली हेल्पफुल होगा कि किसी सेंटेंस को करेक्ट वे में कैसे फॉर्म करें, कैसे उसको हम लोग बनाए। तो आज की इस वीडियो में मैं टोटल 5 वर्ड ऑर्डर्स को डिस्कस करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। वर्ड ऑर्डर 1। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, और वही है पहला वर्ड ऑर्डर 1। एग्जांपल के लिए गर्ल्स राइट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है गर्ल्स है और जो वर्ब है वो राइट है, और गर्ल्स राइट से एक पूरा एक क्लियर विज़न हम लोग का आ जा रहा है कि लड़की लिखती है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक सेंटेंस है। अब दूसरे एग्जांपल्स को देखें। द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल आर प्लेइंग, यहाँ पे भी सब्जेक्ट जो है द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल है और वर्ब जो है आर प्लेइंग। सो द गर्ल्स ऑफ दिस स्कूल आर प्लेइंग, ये भी एक सेंटेंस है, और वर्ड ऑर्डर क्या है, पहले सब्जेक्ट होना चाहिए और फिर वर्ब होना चाहिए। वर्ड ऑर्डर 2, सब्जेक्ट वर्ब टू बी एंड कॉम्प्लीमेंट। चलिए एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। माय बुक्स आर ऑन द टेबल, इन दिस केस माय बुक्स इज द सब्जेक्ट और आर इज द वर्ब टू बी, ऑन द टेबल जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। माय बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरा बुक्स जो है टेबल पे है, तो ये एक सेंटेंस है, और इसके जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, एक इनिशियल में है सब्जेक्ट, मिडल में है वर्ब टू बी, और एंड में जो है कॉम्प्लीमेंट है। तो ये जो है एक सीक्वेंस जो है वर्ड पैटर्न जो है वर्ड ऑर्डर पता होना चाहिए, तभी हम लोग इस वे में किसी भी सेंटेंस को फॉर्म कर पाएंगे या बना पाएंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोग के माइंड में आते हैं तो वो किसी सीक्वेंस के हिसाब से नहीं आता है कि पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब भी होना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए, या फिर पहले सब्जेक्ट वर्ब टू बी कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं, उसको जो होता है वो आ जाता है ना मन में, बस उसी सेंटेंस को डेकोरेट कैसे करना है, किस करेक्ट वे में ले जाना है कि देखने में अच्छा लगे और सामने वाला जो है समझ जाए, उसी को सीखने के लिए हम लोग ये वर्ड ऑर्डर जो है सीखते हैं। सो वर्ड ऑर्डर 3, सब्जेक्ट इनट्रांजिटिव वर्ब एंड कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल्स को देखें तो आइडिया बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, तो इन दिस केस ऑल्सो सी इज अ सब्जेक्ट, जो बिकेम है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, एंड द लास्ट वन द प्राइम मिनिस्टर, ये जो है कॉम्प्लीमेंट है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोजेक्ट अपीयर्स फैंटास्टिक, तो द प्रोजेक्ट जो है वो सब्जेक्ट है, अपीयर्स इनट्रांजिटिव वर्ब है, एंड द लास्ट पार्ट फैंटास्टिक जो कॉम्प्लीमेंट में आता है। होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा सेंटेंस के पैटर्न्स का। वर्ड ऑर्डर 4, सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब
पार्टिकल एंड ऑब्जेक्ट। इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं। एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं। दे पुट ऑफ द मीटिंग। तो चलिए इसके चारों पार्ट्स को डिवीजन करते हैं। दे सब्जेक्ट की कैटेगरी में है, पुट ट्रांजिटिव वर्ब, ऑफ पार्टिकल की कैटेगरी में, एंड द मीटिंग ये जो है ऑब्जेक्ट जो कि एंड वाले पार्ट में आता है। पूरा क्लियरली विजन है और एक सेंटेंस भी समझ में आ जा रहा है, उसका पूरा एक सेंस या मीनिंग आ जा रहा है। नंबर 2 में जाते हैं। द सोल्जर कैरीड आउट द ऑर्डर्स। यहाँ पे भी चलिए डिवाइड करते हैं। सब्जेक्ट जो है वो जो सोल्जर है और ट्रांजिटिव वर्ब है वो कैरीड, पार्टिकल है आउट एंड ऑब्जेक्ट जो है द ऑर्डर्स। ये सेंटेंस भी पूरा का पूरा एक मीनिंग या सेंस निकाल रहा है, जिससे हम लोग को समझ में आ जाता है कि सब्जेक्ट जो है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है। एक बार देख लेते हैं। द सोल्जर्स कैरीड आउट द ऑर्डर्स, मतलब सोल्जर जो है अपने ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, इसका मीनिंग यही आता है, अपने ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तो इसका हम लोग चारों पार्ट जो है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट को डिस्कस कर लिए हैं और इसका डिविज़न भी हो गया है। तो अगर इस वे में आता है कोई भी सेंटेंस तो यही होगा करेक्ट वे, यही है सेंटेंस का पैटर्न। कुछ कुछ अगर जान लें हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब भी हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं तब। अब लास्ट देख लेते हैं। वर्ड ऑर्डर 5, सब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स को देख लें। ही मेड ए न्यू ड्रेस फॉर हिमसेल्फ। कैटेगरीज में डिवीजन क्या है? ही सब्जेक्ट है, मेड ट्रांजिटिव वर्ब है, ए न्यू ड्रेस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फॉर हिमसेल्फ ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियरली समझ में आ जा रहा है। अब दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। मदर बॉट अ न्यू बुक फॉर मी। इन दिस केस ऑल्सो सब्जेक्ट इज ऑन द फर्स्ट पार्ट जो कि मदर है, ट्रांजिटिव वर्ब इज ऑन द सेकेंड पार्ट जो कि बॉट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ऑन द थर्ड पार्ट जो कि ए न्यू बुक है, और जो लास्ट पार्ट है द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है फॉर मी। दोनों सेंटेंस अपना अपना एक मीनिंग नहीं दे रही है और एक वे में करेक्ट वे में जो है अरेंज्ड है, जिससे कि हम लोग को सेंटेंस देखने में सुंदर भी होता है, मैंने देखने में अच्छी भी लगती है और जो सामने वाले व्यक्ति है उसको भी क्लियरली अंडरस्टूड होता है, समझ में आता है। अगर हम लोग आगे पीछे कर दे, मतलब जो फोर्थ पार्ट में यूज़ करना है उसको सेकेंड में यूज़ कर ले, तो फिर बहुत ही ज़्यादा ऑड होगा, बहुत ही ज़्यादा ज़िगज़ैग हो जाएगा, समझ भी नहीं आएगा, हम लोग के सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे और इससे फ्लुएंट इंग्लिश जो है वो भी नहीं आ पाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा माइंड में एक। तो एटलीस्ट इन 5 वर्ड ऑर्डर को हम लोग फॉलो अगर करते रहे करें तो इससे भी ईजी हो जाएगा सेंटेंस को बनाना। अगर गलत वे में एक ठो बताए तो एक एग्जाम्पल चलिए देते हैं, तो आपको खुद को ही ऑड लगेगा कि कैसे इसको पढ़े या कैसे इसको समझे। मदर फॉर मी बॉट ए न्यू बुक, ये बोलने में भी इतना ऑड लग रहा है और इसका डिज़ाइन जो है क्योंकि सही नहीं है इसीलिए। अगर ये करेक्ट वे में जाए तो फिर सही लगेगा, जो कि है मदर बॉट अ न्यू बुक फॉर मी, ये जो है करेक्ट वे है। तो सेंटेंस पैटर्न जानना सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको जानकर ही हम लोग कोई भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है सेंटेंस का। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड गेट माय पॉइंट। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।